विश यू हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, आप सब के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। देख सकते हैं ये है मदुरई रेलवे स्टेशन का, जितना स्टाफ आप देख रहे हैं ये सब ग्रामीण श्रम के लिए डीपीएल का स्टाफ है। आशीष भाई है, ये भी है हमारे साथ, ये हमारे 90 बैच से रंगा बिल्ला बोलिए सतवीर गुरु यार। ये सतवीर। हाँ तो दोस्तों अभी हम रामनगरम रामनाथ नगरम आ गए हैं मथुरा से, अजमेर से। वाह वाह, आप भी रामेश्वरम जा रहे हैं? तो आप रिटायर आर्मी से हैं? आर्मी से। बहुत अच्छा बहुत। ये है पावन ब्रिज, रामेश्वरम का है। हाँ तो दोस्तों हम अभी समुद्र से नहाने के बाद हम फिर अंदर 22 जो कुएं हैं वहाँ पे नहा लिए हैं। तो एक गेट ये है रामेश्वरम में, रामेश्वरम मंदिर का, जैसा कि आप देख सकते हैं रामेश्वरम, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा महल है, बहुत ही सुंदर रामेश्वरम। अब घूम के जाने का, इधर पाप धुलने का, अपना उधर 22 कुंड है, उधर भी नहा के एंजॉय करने का, अपने पाप को धुलने का, दर्शन करने का। भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ शिव भगवान की आराधना की थी समुद्र के। दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह के 4 बजे से ही लोग स्नान करने के लिए समुद्र में जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर धनुषकोटी जाने के लिए अभी हम यहाँ पर जो रास्ता है फिलहाल बंद है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:50 है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:50 करीब, और आप देख सकते हैं ये सामने बैरिकेडिंग हो रखी है अभी यहाँ से निकलने के लिए। अभी ये 6 बजे यहाँ से खोल दिया जाएगा, और आप देखेंगे ये सभी। दोस्तों आपका धनुषकोटी रामेश्वरम में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं संगम पर। देखिए फोटोग्राफी में हमारे भाई लोग मस्त हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बाण से लंका के उस पार हनुमान जी को बाण पर बिठा के भेजा था, और यहाँ से जो लंका है सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर है। कि हमें भी यहाँ कभी राम जी भगवान यहाँ आए थे नंगे पैरों, तो हम भी मतलब उनके देखते हुए भाई हमने ये सोचा मगर चलो भाई हम भी। दोस्तों देख सकते हैं ये सामने ही श्रीलंका है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, ये है विभीषण टेम्पल जो रामायण में जो आपने। तो अभी हम अब्दुल कलाम जी के घर जा रहे हैं, जहाँ रहे हैं कलाम जी के नाम पर दुकानों के नाम, ये जो हम कलाम जी के घर पहुँच चुके हैं। रोक लीजिए दोस्तों, अभी हम अब्दुल कलाम जी के घर हैं। अब्दुल कलाम जी को जो जिनका घर है अब्दुल कलाम जी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगे हुए हैं ऊपर एक गैलरी, जहाँ पर भगवान श्री राम ने कुंड खुद बनाया था। और दोस्तों राम कुंड के अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के भव्य दर्शन कराएंगे। आप मेरे यही है वो कुंड जहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद इस कुंड में स्नान किया था उसके। तो अभी हम आ चुके हैं, ये है लक्ष्मण कुंड। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का जो मेमोरियल है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका आरजी ब्रजवासी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम, और मैं आज सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन से, और करीब 10 घंटे की जर्नी रहेगी, और करीब 13 रेलवे स्टेशन स्टॉपेज है इसका। दोस्तों इधर रोटी तो मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने लिया है वेज बिरयानी, मतलब वेज बिरयानी है। 60 रुपये का प्लेट आया है वेज बिरयानी, 40 का भी मिलता है, 60 रुपये का है, और ये रेलवे का ही यहाँ पर लोग बेचते हैं, रेलवे के कर्मचारी ही बेचते हैं। तो यदि आप बेंगलोर पे आते हैं या किसी भी रेलवे स्टेशन पर हैं, तो मेरे हिसाब से आप रेलवे का ही खाना लें। अपनी जो ट्रेन है 06236, ये है मैसूर टीटूर कोरियन एक्सप्रेस स्पेशल। दोस्तों बेंगलोर KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है ट्रेन, और अभी पहुंची है बेंगलोर कैंट, और यहाँ पे करीब 10 मिनट का स्टॉपेज है, और 10 मिनट के बाद फिर करीब 12 स्टॉपेज और बाकी भी। तो अभी हम पहुँचे हैं बेंगलोर गेट पर।
मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी दिवाली। और हम अभी मदुरई पहुंचने वाले हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:45 PM और हम करीब एक घंटे तो बहुत सारी जगह आपको घुमाने वाले हैं आज। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तमिलनाडु का जो करीब मदुरई से करीब 50-60 किलोमीटर पहले का है। नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं इधर, आप देख सकते हैं। इधर नारियल तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही बस दोस्तों करीब 45 मिनट और लगेगा अभी मदुरई पहुंचने के लिए। तो हम मदुरई से जाएंगे दोस्तों रामेश्वरम, और मदुरई में भी मीनाक्षी मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर के दर्शन हम आपको कराएंगे अगले दिन, मतलब कल। तो पहले रामेश्वरम जाएंगे मदुरई से बस लेके, फिर आपको मीनाक्षी मंदिर के मदुरई में रिटर्न आते हुए मदुरई के दर्शन, मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों हम अभी मदुरई पहुंच गए हैं और ये एकदम राइट टाइम है, बल्कि और 10-15 मिनट पहले आ गए। इसका 7:45 का टाइम है पहुँचने का, लेकिन ये 7:30 पे मॉर्निंग में पहुंच चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मदुरई रेलवे स्टेशन। ओह ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम अभी मदुरई में उतर चुके हैं। मदुरई से अभी हम चलेंगे रामेश्वरम के लिए, बस पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं मदुरई रेलवे स्टेशन पर, ये यहाँ का स्टेशन है मदुरई का। ये बाहर जाने का रास्ता है मदुरई रेलवे स्टेशन का। टैक्सी वगैरह तो बहुत महंगी पड़ेगी। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मदुरई रेलवे स्टेशन। प्रोग्राम है आगे का चलने का, बस से प्राइवेट बस। ये हमारे भाई लोग हैं, आप देखिए ये भी रामेश्वरम जा रहे हैं। फोटो भी ले लेता हूं मैं भी। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे कंपनी के भाई लोग मिल चुके हैं, करीब हम यहां पे 8-10 लोग हैं। तो मदुरई रेलवे स्टेशन से अभी जाएंगे बस से, रोडवेज बस पकड़ेंगे या प्राइवेट? प्राइवेट पकड़ेंगे। प्राइवेट पकड़ के डायरेक्ट रामेश्वरम, और आपको रामेश्वरम के दर्शन कराने वाले हैं। तो नाश्ता पानी उधर ही करेंगे जाके, है ना? देख सकते हैं ये है मदुरई रेलवे स्टेशन का बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। और यहाँ पर बसें आ रही हैं और आके जा रही हैं। तो अभी हम बस से जाएंगे रामेश्वरम और आपको पूरा विजिट रामेश्वरम का हम कराने वाले हैं। भैया रामेश्वरम बस स्टैंड, चलिए चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलिए वीर तुम बड़े चलो। हाँ तो भाई अभी हम निकल चुके हैं मदुरई में बस स्टेशन के लिए, बस स्टैंड के लिए। वहाँ से हम बस पकड़ेंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी बस मिलेगी, सीधा रामेश्वरम की बस स्टैंड से मिलेगी। अभी हम मदुरई रेलवे स्टेशन से मदुरई बस स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे रामेश्वरम। ये मदुरई शहर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मदुरई शहर जो बहुत ही माना हुआ है, बहुत ही बड़ा जंक्शन है।
क्योंकि यहाँ से ही रामेश्वरम के लिए ट्रेन चेंज करनी होती है या बस से जाना होता है तो यहाँ मदुरई ही उतरना होता है। और मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, वो मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये बस स्टैंड बनाए हुए हैं यहाँ पे छोटे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बस में सीट मिल गई है लगभग, लेकिन हमको यूपी वाले हैं, खड़े रहने का थोड़ा शौक है, बस में आदत है। तो दो भाई इधर हैं और दो तीन भाई इधर खड़े हैं बैग लटका के। तो ऐसे करके है जी, पूरा एंजॉय आने वाला है। आप बने भी एकदम खाली दिखाई दे रहा है, इतना ट्रैफिक नहीं है और बहुत ही प्यारा सुंदर शहर है ये मदुरई नाम का। देखिए दोस्तों, ये नदी है, ये बहुत ही सुंदर नदी है। बहुत ही सुंदर नदी के ऊपर से हम गुजरते हुए मदुरई की ये नदी का नजारा आपको दिखा रहे हैं, जो शहर को दो भागों में बांटती है, नदी के इस पार और उस पार। तो अभी हम ये मदुरई बस स्टेशन से पहुंच चुके हैं और यहां से अभी एमजीआर मदुरई का ये बस स्टेशन है, बस स्टैंड है। तो अभी हम यहां पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं।